YouTube में जाकर सिटी न्यूज पलामू को सब्सक्राइब करें व बेल आइटम को दबाकर परमंडल की ताजा खबर पाएं सबसे पहले सबसे आगे। पलामू जिले के हरिहरगंज थाना क्षेत्र के नक्सल प्रभावित सरसुत पंचायत के पथरा गांव में आज डीआईजी विपुल शुक्ल ने पुलिस पिकेट व ओपी का उद्घाटन नारियल फोड़कर व फीता काटकर किया। पुलिस पिकेट का उद्घाटन होते देख भारी संख्या में मौजूद ग्रामीणों की खुशी देखते ही बन रही थी। उद्घाटन समारोह में भारी संख्या में ग्रामीण व स्कूली बच्चे शामिल हुए, जहाँ पलामू पुलिस की ओर से गरीब जरूरतमंदों के बीच कम्बलों का वितरण किया गया, जबकि तारे जमी पर कार्यक्रम के तहत गाँव के बच्चों के बीच स्टेशनरी व चॉकलेट इत्यादि बांटे गए। अरसे से विकास की बाट जो रहे, अब इस क्षेत्र में विकास की संभावना प्रबल हो गई है। लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था कि पथरा में पुलिस का ओपी भी होगा। इस क्षेत्र के विकास में पलामू पुलिस अब सशक्त अंदाज में अपनी भूमिका के लिए तत्पर हो गई है। डीआईजी विपुल शुक्ल ने कहा कि पिकेट खुलना क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक दिन है और इससे तमाम विकासात्मक कार्यों को गति मिलेगी, वहीं ग्रामीणों का सहयोग भी अपेक्षित है। मौके पर ही पलामू एसपी इंद्रित माथा ने कहा कि क्षेत्र के चतुर्दिक विकास के लिए पलामू पुलिस कोई कसर नहीं छोड़ेगी। इसके लिए पिछले दिनों प्रशासन आपके द्वार कार्यक्रम भी हुए। पुलिस की इस महत्वपूर्ण पहल से जनता में भारी उत्साह का माहौल है। अब पलामू जिले का कोई भी क्षेत्र नक्सली व अपराधियों के भय के आगोश में नहीं रहेगा। आज हम लोगों ने इसको ओपी के रूप में भी टेम्प्रेरी उद्घाटन कर दिया है। तो इस तरह से हरिहरगंज थाना से इतना दूर ये एक ग्रामीणों को सहूलियत करने के लिए, ताकि वे आसानी से पुलिस के पास पहुंच सके, उसके लिए हम लोगों ने ये व्यवस्था की है। यहाँ से हरिहरगंज जाने में ग्रामीणों को कम से कम सड़क या रोड है उस पर काफ़ी समय लगता था और वो अपनी बातों को पहुँचाने में या कोई बात कहने में उनको बड़ी दिक्कत होगी। आज इस पिकेट के ओपी बन जाने से इन्हें काफ़ी लाभ होगा और इस पिकेट के खुलने से स्ट्रैटेजिकली हमारा एंटी नक्सल ऑपरेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बिहार का बॉर्डर पड़ता है। पहले इस क्षेत्र में नक्सली आराम से घुमा करते थे, लेकिन अब इस पिकेट के बन जाने से उनको उनकी जो इंडिपेंडेंस थी उसको हमने खत्म कर दिया है और इसके बनने से अब इस क्षेत्र में अमन चैन होगा और विकास की भी गंगा बहने की तैयारी हम लोग कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि अगले कुछ समय में ही यहाँ पे निश्चित रूप से बहुत अच्छा विकास होगा। ऐसी पुलिस की प्रशासन की परिकल्पना माननीय हम लोग के जो डीआईजी सर हैं विपुल शुक्ला सर, उन्होंने आज इस ओपी का उद्घाटन किया। ये एक ऐतिहासिक दिन है, इस क्षेत्र में कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। पहले तो पुलिस का प्रेजेंस ही नहीं था, आज जो है 6 महीना के अंदर ओपी बन गया। मैं पूरी जनता को यहाँ की बधाई देता हूँ और जनप्रतिनिधियों में भी काफ़ी उत्साह है, जनता में भी उत्साह है। मुझे लगता है कि जनता के उस उत्साह का से सुरक्षा का और बेहतर वातावरण इस क्षेत्र में बनेगा हरिहरगंज में, और विकास की और गतिविधियाँ आपको देखने को मिलेगी। 24 तारीख को भी हम लोगों ने प्रशासन आपके द्वारा कार्यक्रम का आयोजित किया है, उसमें भी काफ़ी लोग आएंगे, तो उसमें डीसी साहब की उपस्थिति होगी तो और बेहतर आपको देखने को मिलेगा। समन्वित विकास केंद्र के गतिविधियों के रूप में विकास के कार्य जो है आपको दिखेंगे।